एवरीवन, सो दिस इज अभिषेक हियर एंड आज हम अपस्किल में जो हम सक्सेस स्टोरी का सेशन करते हैं, वो सक्सेस स्टोरी जानते हैं अपने पुराने स्टूडेंट्स का, हाउ दे आर डूइंग गुड इन देयर फील्ड। ओके, तो उसी में आज हम बात करेंगे आयशा आयुब से। वो इज बेसिकली फ्रॉम लखनऊ एंड शी रन्स हर होन एजेंसी और बहुत ही अच्छे लेवल पर, बहुत अच्छे स्केल पर। शी हैज ग्लोबल क्लाइंट्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड and she joined upskill in I think 2021, right Aisha? Yes. Okay, so she joined upskill in 2021 and she did her course very brilliantly and after that also ya usse pehle bhi she was into her agency. So let's listen her ki how was her journey to this. Okay, kaise unhone apni agency build up ki, how she is able to gain such a good client base from all around the world. So Aisha, please share a part of your journey, how it was, how difficult it was, how upskill contributed to it. Okay, so please. Thank you Abhishek, thank you Arbab sir for giving me this opportunity that I am talking on this platform of upskill. And I literally admired the group which I joined through another friend, because I was told that एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर यू नो देर इज़ अ लॉट ऑफ हेल्प, जेन्युइन हेल्प फॉर पीपल हु आर इनटू डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया और वांट टू लर्न दिस फील्ड। बहुत सारे लोग एकदम से पिछले 3 साल में इस फील्ड की तरफ आए हैं, तो एंड आई वाज वन ऑफ देम। तो इसमें मैंने जब ज्वाइन करा और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, यहाँ के मेंटर्स को देखा कि किस तरह वो हेल्प और सपोर्ट करते हैं, देन आई टुक अ कॉल टू ज्वाइन द कोर्स ऑफ अपस्किल। इट वाज अ कंप्लीट 3 months कोर्स एंड देन आई लिटरली आई एम एक्सट्रीमली बिजी थ्रू आउट द वीक, बट दिस वाज ऑन द वीकेंड्स, सो आई डिसाइडेड टू गिव 3 hours ऑफ माय वीकेंड्स टू अपस्किल एंड टू माय सेल्फ एंड माय ग्रोथ, कि भाई ये जेन्युइनली यहाँ पे बहुत अच्छा सब कुछ सीखने को मिलेगा। एंड आई वाज ऑलरेडी रनिंग एन एजेंसी, बट आई एम नॉट फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम द कंटेंट बैकग्राउंड एक्चुअली। आई एम अ राइटर बेसिकली, सो आई यूज्ड टू राइट, इन इंग्लिश एंड उर्दू, दैट्स माय हॉबी एज अ पोएट। बट इंग्लिश कंटेंट राइटिंग जब मैं करती थी तो बहुत सारा काम मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ माई हॉबी किया काफ़ी सालों से ऐसे ही। वो भी किसी ने अप्रोच किया कि इसके लिए कुछ ऐसा लिखना है, तो आई यूज टू राइट, बट आई वॉज नॉट इन टू प्रोफेशनली इन टू राइटिंग। बट ड्यूरिंग कोविड एंड सम पर्सनल सर्कमस्टांसेस आई हैड टू वर्क एंड देन आई डिसाइडेड टू ज्वाइन अ कंपनी एज अ कॉन्टेंट लीड। वहाँ पर भी जान पहचान थी, तो बेसिकली मैं अपनी स्टोरी अगर शॉर्ट में बताऊँ तो इट हैज़ बीन अ लॉट ऑफ support and the basis has been my social equity, what I had built through the years, and people just came along, and when they knew ki you know Aisha wants to work, then I literally jab maine kisi se kaha and pehla unka ye hota tha ki you know how will we be able to afford you, because they knew what my expectations would be. Aur ye ek bahut bada challenge hota hai kyunki कई बार आप अपना एक ऐसा बार सेट कर देते हैं कि लोग सोचते हैं कि यार इनको हम कैसे रखें, इनको हम कैसे कहें कि हमारे लिए आप 15,000 में काम करो। बट आई वाज लाइक मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सीखना है, मुझे करने दो, मुझे ये काम डिजिटल एजेंसी में मैंने काम किया एंड लिटरली उनको बोल के किया कि आई वांट टू लर्न दिस होल बिजनेस। उन्होंने मुझे कुछ एज अ सपोर्ट, माई फ्रेंड हु ओन्स द एजेंसी, शी सेड प्लीज ज्वाइन अस। बट एक्चुअली हुआ क्या कि दे वॉन्टेड टू यूज माई पी आर स्किल्स एंड माई बिजनेस डेवलपमेंट स्किल्स मोर देन माई कॉन्टेंट प्रॉबली, एंड आई कुड नॉट रियली पुट इन वॉट माई होल एफर्ट वॉज, क्योंकि कोविड शुरू हो गया था, ऑफिस जा नहीं सकते थे, सब कुछ ऑनलाइन कर रहे थे। आई वॉज ओनली डूइंग वेरी वेरी बेसिक वर्क ऑफ सोशल मीडिया राइटिंग। देन वो भी 1-2 महीने के बाद बिकॉज दे लॉस्ट अ फ्यू क्लाइंट्स, देन शी सेड अपोलॉजीज दैट आई कांट continue anymore. So I said ki okay, I can understand. Then I was at a level where I had to survive and you know do something for myself. Then yes, with the help of a friend who invested and who said ki okay, I will support you and probably we will together get something to do. And ek do cheezein aur saath mein chalti hai meri,
तो मुझे वहां से क्लाइंट मिले बहुत छोटे छोटे, जब मैंने एजेंसी शुरू करी, जब मैंने अपनी वेबसाइट पे काम भी बाद में शुरू करा, क्लाइंट्स पहले आ गए थे. जस्ट वी कैन कॉल इट स्मॉल स्टेप्स, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, या जो जरूरी होता है एट स्टार्टिंग एट बिगनिंग. बहुत दूर का सोच के, बहुत ज्यादा पैसों का सोच के नहीं किया. जब कोई इस तरह से काम करता है कि उसके सर्वाइवल का भी सवाल होता है और उसको सिर्फ अपनी ग्रोथ और कंसिस्टेंसी देखनी होती है, तब वो सक्सेसफुल होता है. तो मेरा भी वही स्टोरी था कि आई हैड टू डू इट, सो कोई और चारा नहीं था. एंड मेहनत हमेशा से बहुत ज़्यादा पैशनेटली मैं हर काम करती हूँ, तो मेरे लिए, मेरे पास इसलिए भी जान पहचान के भी लोग और क्लाइंट्स आए, बिकॉज उन्हें पता था कि इफ़ आई एम डूइंग समथिंग देन आई विल पुट माई हेड एंड हार्ट इन इट, एंड आई डिड दैट. सो दैट इज़ वाई अपस्किल ज्वाइन करने का रीज़न ये था कि मुझे जब लोगों को हायर करना था तो मुझे उस चीज की नॉलेज चाहिए थी कि अगर मैं एसईओ के बंदे को हायर कर रही हूँ और इंटरव्यू में बैठी हूँ तो व्हाट डू आई नीड टू नो. यू नो, आई ऑलरेडी यूज्ड टू टेक एक्सपर्ट्स इन द इंटरव्यू सो दैट भाई दे कैन आस्क क्वेश्चंस, बट आई वांटेड टू नो द डिटेल्स एंड निटी बिटीज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. सो अरबाब सर एंड आप का मैंने जब पूरा सोचा एंड डिसाइडेड, सो मुझे बहुत फायदा हुआ इससे कि अब मैं खुद अगर कोई काम नहीं भी कर रही हूँ तो आई नो यू नो व्हाट फेसबुक एड्स आर, हाउ दे आर सक्सेसफुल. इंस्टाग्राम आपने पढ़ाया था, इंस्टाग्राम की क्या करते करते और उसमें बिल्कुल घुस जाते तो सब समझ में आ ही जाता है. बिजनेस ओनर्स इसलिए ज्वाइन नहीं करते बिकॉज दे वॉन्ट टू एग्जीक्यूट, वो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे. अगर बिजनेस ओनर्स ही एग्जीक्यूट करने लगे तो बिजनेस कौन लाएगा? जी, बिजनेस ओनर्स सीखते हैं इसलिए टू लुक आफ्टर द टीम. जी, अगर टीम ये कह रही है कि मुझे इफ दे आर असाइंड अ टास्क और ये वो ये कह रहे हैं कि मुझे काम करने में चार दिन लगेंगे, देन द बिजनेस ओनर मस्ट नो इट कि क्या वाकई में चार दिन लगेंगे या ये चार घंटे का काम है. बिल्कुल बिल्कुल सही बात. मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर्स इसी पर्पस से कोर्स ज्वाइन करते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू नो द इंडस्ट्री एंड दे वॉन्ट टू जस्ट नो द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट करना नहीं उन्हें. जिसके बारे में आपको खुद बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है बट यू आर डिपेंडेंट ऑन पीपल हु टेल यू कि यू नो ये सही है, ऐसे करना है, ये ऐसे होना चाहिए, तो थोड़ी घबराहट होती है कि अच्छा हम अगर किसी का काम ले लें और नहीं कर सकें तो फिर बहुत ख़राब होगा. तो मैंने बहुत ही स्लोली और जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं और आराम से, जब मैंने कोर्स अपस्किल का पूरा कर लिया एंड आई न्यू वॉट द क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स वुड बी, I understood what the expectations and level of work would be because my clients are, मतलब दुबई के जो clients हैं हमारे, वहाँ का जो professionalism और customer service होता है, the customers are like God over there. So they obviously जब वो काम कराएंगे तो they are my customers. So they also expect to be treated like that and very very particular about work and वेरी प्रोफेशनल. 3 महीने पहले ही डिसाइड होते हैं, 3 महीने के आगे की मीटिंग्स और मीटिंग लिंक्स भी 3 महीने पहले भेज दिए जाते हैं और यू हैव टू रिमेंबर एंड जॉइन द मीटिंग एंड दे आर पंक्चुअल एंड देन वी गिव रिपोर्ट्स, वी एक्सप्लेन यू नो व्हाई द एड मनी स्पेंड वेयर, हाउ मच वी नीड टू पुट इन द नेक्स्ट मंथ, ऑल दीज टेक्निकल थिंग्स. सो आई टुक द वर्क बिकॉज आई गॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि नाउ आई नो वॉट आई नीड टू डू, देन आई स्टार्टेड टेकिंग वर्क फ्रॉम आउटसाइड एंड या एंड रेफरेंस के थ्रू. जब एक काम अच्छा हुआ उन्होंने किसी और को बताया, क्योंकि कई बार काफी लोगों के दिमाग में, कई अगर फ्रीलांसर्स भी हैं, एजेंसी ओनर्स भी, उनके दिमाग में कई बार ये रहता है इंटरनेशनल क्लाइंट होगा, हाई पेइंग क्लाइंट होगा, मजा आएगा, ग्लोबल क्लाइंट ही लेते हैं, बट उस टाइम उन्हें दे डोंट रियलाइज दैट प्रोफेशनलिज्म जो इन रिवर्ट देना होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में आती है,
क्योंकि अब जब जैसा बताया आपने कि कितने पंक्चुअल होते हैं वो लोग और कितनी चीजें प्री प्लान्ड होती हैं, ये एक मिथ है कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स ज्यादा पैसा देते हैं और इजी होते हैं। इंटरनेशनल क्लाइंट्स इंडिया से एजेंसी को क्यों हायर कर रहे हैं? क्योंकि जहां पर उन्हें 3 times मोर मनी देना पड़े बिल्कुल उनको वो काम इंडिया में हमारी जैसी एजेंसीज और मिड लेवल एजेंसीज या जो ग्रो कर रही हैं वो एजेंसीज उतने से one third अमाउंट में वो काम वो निकालना जानते हैं एंड वो होता है एंड दे गिव दैट अमाउंट बट दे मेक श्योर कि ईच पेनी इज आंसर्ड। बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड तो बिल्कुल है, वही मैं कि काफी आपने बिल्कुल सही वर्ड यूज किया मिथ कि ये सब मिथ्स है कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स इजी होते हैं बट देयर इज अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी व्हिच कम्स अलोंग। यस दैट्स ट्रू राइट एंड आई थिंक ये बहुत अच्छी लर्निंग होगी फॉर न्यू कमर्स एज वेल एज अ फ्रीलांसर हो या एज एन एजेंसी ओनर हो, क्योंकि हम लोग एजेंसी सेटअप वाले क्लासेस में भी यही चीज बताते हैं कि इट्स नेवर इजी टू रन एजेंसी आपको, क्योंकि आपको टीम भी देखनी है आपको क्लाइंट भी देखना है। It's and extremely difficult and it's like a mental torture sometimes. बिल्कुल very difficult. और sometimes आपके क्योंकि ना आपके लिए दोनों important है. Client नहीं रहेगा तो team how you will afford the team. एक बहुत बड़ा challenge जो है मैं new agencies के साथ share करूँगी, ये होता है बहुत लोगों ने सोचा होगा कि मेरा personal जो perspective और way of working है कि मैं resources पहले hire करती हूँ, काम आएगा या नहीं आएगा उसके बारे में नहीं सोचती हूँ। कुछ लोग शायद ये सोचते हैं कि अभी हम सैलरी कहाँ से देंगे, तो आप बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं और आप बिजनेस कर भी रहे हैं तो आपको कैपिटल लगाना है, तो आपको अच्छे रिसोर्सेज मिले तो आपको उन्हें हायर करना चाहिए भले ही कुछ टाइम तक सैलरी आप पे भारी पड़ रही हो। तो मतलब मुझे तो ये लगता है कि वी बिजनेस ओनर्स एंड एजेंसीज आर अर्निंग टू पे द सैलरीज टू दीज पीपल एंड उनकी एक डेट फिक्स्ड है कि हमें इस डेट पे सैलरी देनी है, हमारे क्लाइंट ने दिया या नहीं दिया उससे उनको थोड़ी कोई मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल स्टाफ इज डिपेंडेंट ऑन मी एंड आई हैव टू पे देम, सो गुड रिसोर्सेज शुड नॉट बी लेफ्ट जस्ट बिकॉज़ यू आर नॉट गेटिंग क्लाइंट्स नाउ। हां क्योंकि प्री प्लानिंग बिल्कुल जरूरी है, कई बार क्लाइंट अगर ऑन बोर्ड हो जाता है एंड आफ्टर दैट यू स्टार्ट फाइंडिंग रिसोर्सेज देन क्लाइंट इज नॉट गोइंग टू वेट कि आयशा आप एक हफ्ते employee ढूंढो till then we are on wait. That's not the way. You need to prepare the things. So I think if you summarize this, Aisha, so I think agency owners के लिए if you call like a single or even multiples, अगर दो या तीन अगर you can share the suggestions कि as a fresher and as a newcomer as an agency owner किन चीजों का दे शुड कीप इन माइंड कि दिस आर द वेरी वाइटल पार्ट टू बी एन एजेंसी ओनर, चाहे वो टीम बिल्डिंग हो, इट कुड बी लाइक वन सजेशन ऑन टीम बिल्डिंग एंड वन सजेशन ऑफ क्लाइंट ऑनबोर्डिंग एंड क्लाइंट सर्विस। जी टीम बिल्डिंग तो आई हैव ऑलवेज बीन अ पीपल्स पर्सन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माय लाइफ इन ऑल अदर फील्ड्स एंड वर्क दैट आई डू। डिजिटल मार्केटिंग इज वन पार्ट ऑफ द वर्क दैट आई डू। आई ऑल्सो डू कम्युनिटी बिल्डिंग, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो जब मैं ऑलरेडी एक सोशल बिल्डिंग बैकग्राउंड से आती हूँ तो टीम बिल्डिंग और कम्युनिटी बिल्डिंग मैं उनके साथ में काम करती हूँ। आई बिहेव एज अ टीम मेंबर, आई डोंट बिहेव एज अ बॉस एंड दैट इज व्हाई दे आर वेरी फ्रेंडली विथ मी। ऑब्वियसली यू हैव टू ड्रॉ अ वेरी माइन्यूट लाइन बिटवीन बींग अ फ्रेंड एंड अ बॉस, आप उसको क्रॉस भी नहीं कर सकते लेकिन आपको बॉस ही नहीं रहना है। तो मैं जब काम करती हूँ लिटरली अगर मेरे कंटेंट राइटर के पास 5 clients हैं सोशल मीडिया मैनेजर के पास, तो आई एम ऑलमोस्ट डूइंग 30% ऑफ हर जॉब ऑलमोस्ट। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन हर, आई कैन नॉट बी बिकॉज एंड शी ऑल्सो शुड नो दैट ओके माई बॉस हु हैज 15 other clients but is completely involved in what I am writing. I actually check the calendars and content every month so that wo kya likh rahi hai usme kya details hone chahiye. Personal involvement as an agency owner har team member ke sath bahut zaruri hai. To aap even if you build team leaders, aapne ek team bana di, ek team leader bana diya, still you have to be personally involved in everything. And plus jo personal team building relationship hota hai हमारे यहाँ पे तो बहुत ही फ्रेंडली और ऐसा माहौल है
कि यू नो आप स्किल में भी ऐसा ही माहौल है. व्हाट एवर आई हैव नोन इन क्लासेस, इन क्लासेस वी आर कंप्लीटली फ्रेंडली, वेरी वेरी फ्रेंडली माहौल. बिकॉज ये जो काम है ना अभिषेक, ये इतना फ्रेजाइल है. यू डोंट नो व्हेन एनीबॉडी इज गोइंग टू लीव यू, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज आर लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन दिस फील्ड. एक जगह से अगर 5,000 का ऑफर एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, तो आपके पास काम नहीं, वो आपके पास तब रुकेगा जब उसका दिल लग रहा है आपके साथ काम करने का. तो ये है, आपको टीम को सस्टेन करने के लिए काफी कुछ दिल और दिमाग दोनों को मिला के काम करना चाहिए. Yeah, that the line, the thread which you told. Yes, that's the thread. Yeah. The very, yeah, very, very, very important. And I go out with my team. I invite them. I have lunches with them. I do team building exercises. We give employee of the month, awards. Then we specially mention people who are doing well. And I'm also strict with my work. मतलब work level and professionalism अपनी जगह है. तो वो balance बनाना बहुत जरूरी है. balance और कई बार लोग balance के either left or right side हो जाते हैं. balance exact maintain करना is really not something easy. जी. बहुत बहुत difficult. And something if you can suggest Aisha to expand your client reach. Okay. Like sure. Or how to service them, how to cater them. उनके सजेशंस आपको कहाँ मानने हैं और कहाँ नहीं मानने हैं वो भी बहुत ही डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ता है. बिकॉज जिसको सोशल मीडिया का या डिजिटल का काम कराना है वो इसलिए करा रहा है बिकॉज दुनिया करा रही है. बिल्कुल. उसको पता है कि इस काम के बिना अब मेरा बिजनेस ग्रो नहीं करेगा. डिजिटल मार्केटिंग इज माय लाइक इट्स एसेंशियल फॉर मी. बट स्टिल जो पैसा दे रहा है ना वो अपने सजेशंस और अपनी बातें, इवन डिजाइन में जो है वो क्लाइंट का जब दखल हो जाता है एंड यू नो कि दिस इज नॉट गुड, स्टिल समवेयर यू हैव टू लिसन, समवेयर यू हैव टू यू नो एक्चुअली डोमिनेट देम. I'm sorry, this is not right. You need to trust me. That is how you have to. मेरा काम है. मुझे पता है कि कैसे होगा. बिल्कुल. At the end of the day, आप ही result expect करोगे. तो जब तक चीजें मेरी control में ना हो, जिसे पाती ये चीजें उसके control में ना हो, तो result कैसे आएगी? Office में आता है. मुझे आपसे इतना सीखने को मिला, अरबाब सर से इतना सीखने को मिला अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ द क्लाइंट एंड साइकोलॉजी ऑफ बिजनेस एंड हाउ टू हैंडल एंड हाउ टू रिप्लाई टू क्लाइंट्स व्हेन दे यू नो गेट ऑन योर नर्व्स फॉर समथिंग. तो बैलेंस इज द की, हाउ टू रिप्लाई टू देम एंड हाउ टू सस्टेन देम. वो डोमिनेंस स्टार्टिंग से मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्लाइंट सर्विस भी है बट अगर हम डोमिनेंट नहीं रहेंगे राइट ऑन द फर्स्ट डे अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश करो. काफी लोग क्लास में भी पूछते हैं कि अभिषेक या मैं जैसे हैशटैग एजेंसी लाइफ इज अ वेरी ट्रेंडी थिंग कि एज अ एजेंसी एज अ फ्रीलांसर क्या दिक्कतें आती है, क्लाइंट्स पेमेंट नहीं करते या दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग आवर एफर्ट्स. तो मुझे लगता है ना ये सब अगर ये जो आपने बैलेंस की बात कही ना कि राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ये मेंटेन रहे तो शायद ये दिक्कतें नहीं आएंगी. हाँ, अपनी अथॉरिटी भी एस्टैब्लिश करके रखा है हमने कि ये चीज काम मेरा है, मुझे आता है. आपको 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 अपना कॉन्फिडेंस, अपना लेवल और अपना एडिफिकेशन क्लाइंट को खुद फर्स्ट मीटिंग में ही देना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यू नो बिकॉज हम पैसे दे रहे हैं तो हम जो बोलेंगे वैसा होगा. तो ऐसा नहीं होता है. और इवन व्हेन यू नेगोशिएट विद देम फॉर द मनी और एनीथिंग, सी व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग द बिजनेस कम पैसों में बहुत लोग काम करते हैं. लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हैं, आप अपना लेवल बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे आप नेगोशिएट करना और यू नो बार्गेन करना क्लाइंट्स के साइड से उसको एंटरटेन नहीं करना है आपको. बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आप फिर कभी ग्रो ही नहीं करेंगे. यू हैव टू उसी जगह पर आपने अपनी अथॉरिटी मतलब कहीं हद तक डाउन कर दी. जी अगर आपने अगर आप उस नेगोशिएशन में इन्वॉल्व हो गए दैट मींस आप अपने एफर्ट आप अपने आप से आप क्लाइंट के साथ नेगोशिएट नहीं कर रहे, आप ये समझ लोगे आप अपने एफर्ट के साथ नेगोशिएट कर रहे हो.
क्लाइंट की वाई आई एम सेइंग नो, वाई आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस अमाउंट व्हाट यू आर ऑफरिंग मी, उसके रीजंस उसको बताइए, उसको उसको समझाइए और फिर उसको छोड़ दीजिए. अगर उसको सही काम कराना होगा आपसे तो वो आएगा. तो दैट इज हाउ इट हैज टू वर्क. एंड वही है बस. डेफिनेटली दिस ऑल, मतलब आपने जितना कुछ बताया कंबाइन होकर एक एजेंसी ओनर के लिए आई थिंक इट्स अ पैकेज काइंड ऑफ, राइट फ्रॉम टीम बिल्डिंग टू एजेंसी सेटअप टू क्लाइंट ऑनबोर्डिंग और क्लाइंट सर्विसेज. Right. So I think it's a complete package and it will be very, very helpful for any agency owner. In fact, the session se kaafi kuch mujhe bhi naya sunne mila. That was really a very informative session, Aisha. Thank you. And I think Upskill helped you with this. And yes, Upskill has been very helpful. Contribution. I am active on the WhatsApp group. I read the messages, but uh-huh. I'm not very... because I'm involved in my work, so मैं ज़्यादा actively reply नहीं करती हूँ, but सीखने को बहुत कुछ मिलता है जहाँ पर लोग किसी भी topic के बारे में बात कर रहे हैं या share कर रहे हैं. तो upskill की basically community building बहुत strong है और एक दूसरे को help करने के लिए हमेशा ready रहते हैं, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है. And in fact, community is a thing जो मुझे लगता है कि आपके agency growth में भी बहुत important role है. बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. शायद इस सेशन से ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी कि हाउ कमिटीज आर. या एंड वन पॉइंट व्हिच अरबाब सर आल्सो एम्फसाइजेस एंड सम एजेंसी ओनर्स डोंट डू इट, सोशल इक्विटी बिल्डिंग उसका जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं करते हैं. कुछ एजेंसी ओनर्स को मैंने देखा है या बिजनेस ओनर्स को कि उनको लोग जानते ही नहीं है, उन्होंने बस पैसा देकर के स्टाफ को रख लिया है, काम कर रहे हैं. मगर उनकी देखिए बिजनेस आपको सेल्फ क्रेडिबिलिटी पे मिलता है, उसके बाद लोग आपका काम देखते हैं. मेरे तो कुछ बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मेरा कोई काम भी नहीं देखा, बस उन्होंने बोला कि यू आर वर्किंग फॉर दिस क्लाइंट एंड वी हैव हर्ड गुड थिंग्स फ्रॉम हियर and we know you as a person in all of your background, तो फिर आपको करना है बस. so that is very important as a business owner. and this thing is really very much to be appreciated as well. कि अगर कोई सिर्फ आपके पुराने काम देखकर या reference सुनकर सिर्फ अगर काम देता रहा without any asking for any explanation from your side, तो ये trust value, ये face value create करना is really something very great. वो करना चाहिए सबको. That's true. बिल्कुल बिल्कुल. So Aisha, I hope it was a good interactive session. Yes. I loved sharing. I loved giving a gratitude message to Upskill and the mentors, and special mention to our SEO teacher because I learned a lot from him. उनके साथ सौरभ नाम है उनका, राइट? सौरभ भगत. He is वेरी गुड एज अ टीचर. टेक्निकली मुझे उनसे इतना समझने को सीखने को मिला और उसके बाद भी मैसेजेस पे ऑलवेज देयर, ऑलवेज हेल्पफुल ऑल ऑफ योर टीम. थैंक यू सो मच. रियली ग्लैड टू हियर दैट आईजा दैट. वेरी गुड. एंड फॉर ऑल द व्यूअर्स, वेरी सून वी विल बी अगेन बैक विद अगेन अ सक्सेस स्टोरी, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स हैं जो एंड काफी लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से कर रहे हैं, कम्युनिटीज को इम्पोर्टेंस देकर कर रहे हैं. सो डेफिनेटली हम वी विल फीचर ऑल ऑफ दैट एंड वेरी सून. ओके, सो थैंक यू अच्छा, थैंक्स फॉर ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम द कंप्लीट अपस्किल टीम. थैंक यू.